बाजार में कुछ चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जिनको वीडियो बनानी है बना सकते हैं। हम अपने घर में पोछा लगाते हैं पानी में लाइज़ोल डालकर, ताकि हमारे घर से बैक्टीरिया जर्म सब साफ हो जाए। यहाँ हम एक पानी एक ग्लास में पानी ले रहे हैं, उस पानी को गंदा करने के लिए हम उसमें नील डालते हैं। कितने घर में उजाला यूज होता है व्हाइट कपड़ों को ब्लू करने के लिए, होता है ना? अब ये कलर कैसा हो गया? मेरा मानना ये है कि कपड़े का दाग लग गया। लाइज़ोल का क्या काम है? दाग धब्बे मिटाना, फर्श को साफ रखना। वैसे मानो फर्श पे क्या गिर गया? लाइज़ोल गिर गया। अब फर्श को क्या करना है? हम बेस्ट का हाई डेस अल्ट्रा स्वैब यूज कर रहे हैं, वो डालिए लाइज़ोल की। हां हां, इसकी क्वांटिटी हम आधा ढक्कन से भी कम, जबकि इसमें हमने ये एक ढक्कन डाला था। चलिए डालिए, इसमें डालिए इसको, ये देखें क्या होएगा। इसमें डालते हैं, अब इसको बना देंगे। अभी किसका कलर गया? क्या आपको लगता है कि बैक्टीरिया से हटा देगा, निशान दाग धब्बे हटा देगा? लाइज़ोल मैं एक चीज और करती हूँ, इसे भी हटा देते हैं। एक मिनट, लाइज़ोल का कलर कैसा था? क्योंकि लाइज़ोल दाग नहीं है, दाग मिटाने वाला एक सर्फेक्टेंट है जो क्लीन करता है। इसका कलर कैसा है? ऐसा। इस पानी का कलर कैसा है? ऐसा ही है ना, तो नील कहाँ गया? नाल नील क्या था? दाग था, स्टेन था, ये वो स्टेन खत्म हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब इन्हीं से इस्तेमाल करो, एक बार पानी में रख दो, इससे ये सस्ता है। इस बात की मैं गारंटी करता हूं, क्योंकि ये एक ढक्कन डालोगे, ये चौथाई ढक्कन डालोगे, काम जाए। अब 400 रुपए का पत्थर लेके आए, लाला जी ने तो पैसे कम करे, बढ़िया वाला पत्थर था, कम करे भी ना वो। लेकिन जहां इसकी बारी आई, वहां क्या किया? खलाए इसे और गर्म पत्नी से कह रहे रगड़ आप कितना रगड़े वो भाई, वो हाथ रगड़ हाथ ही घिस गए, उसके पत्थर साफ नहीं हुआ, कि उससे साफ होगा ही नहीं। अब इसको हटा दूंगा। थैंक यू। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे हम चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई। और नेक्स्ट प्रोडक्ट को बताने के लिए यहाँ पे आएंगी रश्मि और क्षमा परवीन जी को बुलाते हैं, कंचन जी भी आएंगे, तीनों लोगों का काम है, तीनों लोग आएंगे जल्दी से यहाँ पर। वैसे भी ये टीम शेयर नहीं है, एक बार एक आदमी ने मेरे हाथ पे रखा, वो महिला है, थर्मोकोल चल रही, और थर्मोकोल रख के उसके ऊपर 4-5 बूंद डाली, पता नहीं काहे। मैंने कहा मैडम थर्मोकोल खत्म, मैंने कहा नीचे को निकल गया तो हाथ मेरे को कौन करेगा, तो जो थर्मोकोल में छेद कर रहा हाथ में भी कर सके भाई साहब, गलत तो नहीं कहना। मैंने फटाफट जल्दी कर ऐसे करा कपड़े से, हाथ में छेद तो नहीं हुआ, विश्वास करो हाथ में छेद नहीं हुए। उस महिला ने मुझे बोला जो भी आप चिकनाई खा रहे हो वो चिकनाई कहाँ जा रही है आपके आंटीज में जाके, और जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा, उसने बोला थर्मोकोल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मैच करती है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है इसको जो खत्म कर सके, एक्सेप्ट पेट्रोल और अलसी का तेल। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिए हमारा कोलेस्ट्रॉल ऐसा ही होता है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए पेट्रोल या अलसी का तेल, तो पेट्रोल पी सके हैं क्या? पी लेंगे आदमी स्क्रीन हो जाएगी, पी सकते हैं भाई साहब? आप बताओ पी सकते हैं क्या? बाकी कोई चीज इसको खत्म नहीं करती, तो बाकी कोई चीज डॉक्टर कहीं जाते हैं वो क्या कहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, तो वो कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है क्या? बोलता है वो इको स्प्रे लेना शुरू कर देना, खून पतला, अरे खून पतले करने की दवाई नहीं मांग रहे भाई, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई मांग रहे हैं, नली साफ करवानी है, पानी को मत पतला कर,
वो क्या कर रहा है, पानी को पतला कर रहा है, बात समझ रहा, खून को पतला कर रहा है, नाली में जो कबाड़ रख गया उसको साफ नहीं कर रहा, और वो है कोलेस्ट्रॉल जो हमारी आर्टरीज में जम गया और वो खून का फ्लो तेज हो गया, जो आराम से चल रहा था वो पाइप दबाने से क्या हुआ, तेज हुआ, और तेज हुआ तो हार्ट पर जाकर प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर की वजह से ब्लीड हुई, और एक दिन ऐसा आप हुआ, प्रोजेक्ट बन गया, ये सच्चाई मानो या ना, ये थर्मोकोल कैसे खत्म हो सकती है वो मैडम आपको बताने वाली है, अलसी के क्या सूत्र है, ये देखते हैं खत्म हो गई तो ठीक है, वरना तुम बेकार क्या हो रहा है, कुछ जा रहा है कहीं, मेरे घर जा रहा है वापस, होगा होगा, होने दीजिए पूरा, हो गया वैक्सीन, अपने आप जाने देखते हैं, अपने आप जाता है कि नहीं जाता, सर आप घुमाइए सारे में, दिखाइए लोगों को कि वाकई में खत्म हुआ कि नहीं हुआ थर्मोकोल, चाहता हूं, क्या अब फाइनली आप लोग तैयार हैं? Yes. तो कितने लोग तैयार हैं, सच में तैयार हैं? अगर कोई तैयार नहीं है तो रास्ता खुला हुआ है, वो जा सकते हैं, ठीक है, कोई बंधन नहीं है किसी के साथ, जो तैयार है वो खड़े हो जाए, और ये हाथ ऐसे रख लें, और ये तो फोन पर रखा, चलो फ्रेश कर लो।